हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो खास खबरें। दोस्तों, इनमें से एक खबर आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन दूसरी खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर रहेगी, वो आपके लिए गुड न्यूज़ होगी। सो दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सो दोस्तों, पहले बैड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको ये न्यूज़ सुनने के बाद में थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो गुड न्यूज़ दी गई है, जब आप वो गुड न्यूज़ देखेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। सो पहले जो बुरी खबर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इग्नू की तरफ से हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके री एडमिशन से रिलेटेड। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों आपको अपने एडमिशन की जो वैलिडिटी है, जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, उसी में अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम, आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसे कंप्लीट करना होगा। आपको अभी यहाँ पे री एडमिशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। हालांकि दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैड न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन आप में से कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आप वीक स्टूडेंट्स या फिर कमज़ोर विद्यार्थी नहीं कह सकते। हो सकता है कि उनके कुछ पर्सनल रीजन्स हों, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हों जिसकी वजह से वो अपनी डिग्री मैक्सिमम टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बैड न्यूज़ हो सकती है। दोस्तों, आप इसे चेक कर लीजिए। जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी एडमिशन की वैलिडिटी जून 2020 तक है, तो उसे आप अभी बढ़वा सकते हैं और उसे एक्सटेंड करके दिसंबर 2020 तक करवा सकते हैं। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स की एडमिशन की वैलिडिटी दिसंबर 2020 तक है, उसे बाद में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी रहेगी दिसंबर 2020 तक ही। सो ऐसे केस में आपको अपनी डिग्री दिसंबर 2020 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे उसी में क्लियर करनी होगी। अगर आपके कोई भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर अपीयर करके और उन्हें क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, इन प्रोग्राम्स के बारे में बात की गई है जिनका ड्यूरेशन एक साल का दिया जाता है। सो इसमें यहाँ पे BLIS, MLIS, BCOM, MCOM, कुछ इन प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की गई है। इन सभी प्रोग्राम्स में से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका एडमिशन का वैलिडिटी ऑलरेडी दिसंबर 2019 में ख़त्म हो गया है, तो आप अपना री एडमिशन के लिए अप्लाई करके और अपने एडमिशन की वैलिडिटी को दिसंबर 2020 तक अभी बढ़वा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन का वैलिडिटी जून 2020 तक है, वो इसे एक्सटेंड करवा के जून 2021 तक करवा सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन का वैलिडिटी दिसंबर 2020 तक है, आप उसे एक्सटेंड करवाएंगे तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो पाएगी और उसे आप जून 2021 तक एक्सटेंड करवा पाएंगे। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स की एडमिशन की वैलिडिटी जून 2021 तक है, उनको यहाँ पे री एडमिशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों, आपके एडमिशन की जो भी मैक्सिमम वैलिडिटी है, आप उसी में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, बाद में आपको री एडमिशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स के बारे में। बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, इन सभी के लिए भी ये पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन का वैलिडिटी जून 2019 तक था, वो उसे एक्सटेंड करवा के जून 2021 तक करवा सकते हैं, उसके बाद में एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जून 2019, दिसंबर 2019, जून 2020, दिसंबर 2020 और जून 2021, इन सभी में अगर आपका एडमिशन का वैलिडिटी कम्प्लीट हो रहा है, तो उसके बाद में आप अगर री एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको मैक्सिमम जून 2021 तक ही एक्सटेंशन मिल पाएगा। उसके बाद में आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप भी अपना जो भी कोई सब्जेक्ट पेंडिंग में है, तो उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। दोस्तों, इन पॉइंट्स में बताया गया है कि जो भी जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे, तब तक आपके एडमिशन का एक्सटेंशन किया जा सकता है, उसके बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो री एडमिशन वाला प्रोसेस है, इसे बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन इग्नू की तरफ से जारी की गई है, इसे आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी एज ए नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। आप अगर अपने
रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक करेंगे या उसका नोटिस बोर्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे सभी जगह पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को अगले 6 महीने तक आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे रखा जाएगा, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप सभी के रीजनल सेंटर्स को ये डायरेक्ट किया गया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ईमेल के जरिए या फिर SMS के जरिए इन्फॉर्म कर दें। सो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि जो आपका एडमिशन का मैक्सिमम टाइम लिमिट है उसी में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। दोस्तों अभी आप सभी स्टूडेंट्स का मूड फ्रेश करने के लिए एक जो गुड न्यूज़ जारी की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक इस बात का कन्फ्यूज़न है कि इग्नू क्या एक फेक यूनिवर्सिटी है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके बारे में क्वेरीज करते हैं कि क्या वो इग्नू से डिग्री कंप्लीट करने के बाद में UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या वहाँ पे आपकी डिग्री वैलिड होगी या फिर इनवैलिड। दोस्तों इसके बारे में UGC की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें UGC की तरफ से 24 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया कि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉड हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सो दोस्तों ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को 7 अक्टूबर को साइन किया गया था और 8 अक्टूबर को अपलोड कर दिया गया। सो दोस्तों यहाँ पे उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। दिल्ली में ऐसी 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं। कर्नाटका में एक यूनिवर्सिटी है, केरला में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में भी एक ऐसी फेक यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 2, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की ऐसी 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें यहाँ पे UGC की तरफ से फेक यूनिवर्सिटी में रखा गया है। सो दोस्तों आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक बार नाम चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में उड़ीसा की भी 2 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुदुचेरी की भी 1 यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में लास्ट में आ गया आंध्र प्रदेश, उसकी भी 1 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि फेक यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। सो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन को UGC की तरफ से हिंदी में भी जारी किया गया है। फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक सूचना। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है आप यहाँ पे भी इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, टोटल दोस्तों यहाँ पे 24 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें यहाँ पे UGC की तरफ से फेक यूनिवर्सिटीज़ बताया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करने के लिए मना किया गया है। हो सकता है दोस्तों आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई ना कर रहे हों लेकिन आपके कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो इसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, इसलिए दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट उन सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। सो दोस्तों आज की वीडियो में ये था आपके लिए एक गुड न्यूज़। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये गुड न्यूज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा कि इग्नू की गिनती फेक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं की जाती, और आप सभी स्टूडेंट्स को ये गर्व महसूस होगा कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।